फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि फरीदाबाद में एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद जब वो मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए पहुंचा तो अचानक उसकी मेडिकल स्टोर पर ही मौत हो गई। पूरी घटना स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना फरीदाबाद के संजय कॉलोनी की है। युवक जैसे ही अचेत होकर गिरने लगा तो मेडिकल स्टोर संचालक राजकुमार ने उसे संभालने का प्रयास भी किया, लेकिन युवक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी तुरंत स्टोर संचालक ने डायल 112 पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। वो असल में क्या था, कुछ समय पहले एक मरीज का बंदा आया था। वो ये कह रहा था कि हल्का हल्का पेट में घुट घुट सी हो रही है और गले में खुशखुशी हो रही है। दो ORS के लिक्विड दे दो जी। हमने दो ORS के लिक्विड निकाले। उस बंदे ने हमें 50 रुपये दिए। वो आधा नोट उसके हाथ में, आधा नोट मेरे हाथ में था। जब ही उसी दौरान वो बंदा नीचे को बैठता हुआ चला गया जी, और बैठते बैठते वो गिर पड़ा, और गिरने से मेरे ख्याल से उसका ख्याल हार्ट फेल हो गया जी, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो क्या पहचान हो पाई है, कहाँ का बंदा है, कहाँ रहता है? पहचान भी हुई है जी, एटा निवासी है जी, को संतोष जी। उसके रिश्तेदार भी मिल गए जी, रिश्तेदारों को मैंने पुलिस चौकी भेज दिया है। वहाँ से जो भी उनके सरकारी कार्रवाई के अनुसार डेड बॉडी उन्हें मिल जाएगी। बाकी देखो जी, जो घटना उसका हमें बहुत ही दिल से बहुत ही दुख है जी। कितनी उम्र होगी और क्या लेना आया था? 30-32 साल की उम्र थी जी। ORS के लिक्विड लेने आया।